यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जो बैठे हैं हम सभी ज्ञान को पाने के उत्सुक हैं और ज्ञान की सबसे बड़ी अगर कोई पुस्तिका है कोई ग्रंथ है तो वह है गीता। गीता भगवान का गाया हुआ गान है इसलिए इसको गीता कहा जाता है। गीता यानी गान, गायन बाय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का गान। इसीलिए जगह जगह आता है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं आता। श्री कृष्ण उवाच आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति की गीता हो जाएगी। व्यक्ति की नहीं है, परम सत्ता की है। परम पिता परमात्मा स्वयं अपना मैसेज गायन के रूप में इस गीता को जब हम गाएंगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कितनी कितनी प्रेशियस, कितनी बहुमूल्य किताब है ये। इसके अंदर एक एक चीज़ कितने बढ़िया ढंग से गूंथ गूंथ के भरी है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास इसके लेखक हैं। और कहा है श्री कृष्ण ने, सुनाया है अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से करोड़ों अरबों लोगों ने इसको सुना है पिछले 5000 सालों में। आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है गीता का 8वां अध्याय, तो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक 8/7। इस गीत में जो भाव है वो गीत में है जो यहाँ सुनाया जाएगा। मैं आपका ही गायन करता रहूँ, मैं आपके ही गीत गाता रहूँ, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। मैं मन का स्वामी हूँ, मन मेरा दास है, और मन के मंदिर में भगवान तेरा वास। यदि हमारे कण कण में भगवान का वास हो जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान को अपने अंदर मान करने विशेषसी मैये हुआ, मेरे अंदर निवास करने वाला भगवान। हमारे अंदर भगवान है पर हम कितना मानते हैं इसको। इस बात को यदि हम मानने लगे कि भगवान जो है वह हमारे कण कण में है, विराजमान है, और यदि है तो हमारे मुंह से कभी गलत नहीं निकलेगा, हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी किसी से द्वेष नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भगवान कैसे होते हैं बताओ? भगवान हंसते हुए दिखते हैं कि दुखी दिखते हैं कि उनके माथे पे भौं पड़ी हुई दिखती है? भगवान हंसते हुए रहते हैं, मुस्कुराते हैं, युवा है, चिर युवा। भगवान यानी श्री कृष्ण, जिनका मैं बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर सभी भगवत सत्ताओं के प्रतिनिधि बन करके गीता सुनाते हैं अर्जुन को, उस अर्जुन को जो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर है। और पहला ही श्लोक जो भी मैंने लिया है आज, 7वां श्लोक, इस श्लोक का मैं पहले पूरा नोमेनक्लेचर सुना देता हूँ, उसका फिर अर्थ बता देता हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् यानी अब, हे अर्जुन अब तू, तस्मात् जैसे कहते हैं ना, जैसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो तस्मात् का मतलब है कि हम अब शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए अब
सर्वेषु कालेषु सभी समयों में माम अनुस्मर, माम यानी मुझे, अनुस्मर यानी याद करो, मुझे सभी समयों में मुझे याद करो। और युद्ध भी करो, युद्ध च, बड़ी विचित्र बात है, युद्ध भी करो और मुझे याद भी करो, बड़ा बड़ा विरोधाभास है, ऐसा लगता है कभी कैसे आखिर यह होगा। तो आगे अगली लाइन भगवान कहते हैं, मय्य अर्पित मनोबुद्धि, जो मुझे अर्पित हो जाती है बुद्धि, मामे वैश्यसी, वो मेरे अंदर ही निवास करती है असंशयम, बिना किसी संशय के मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे अंदर निवास करेगा। आइए गीत सुनते हैं। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभो, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभो, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभो, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभो, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभो, अपनी भक्ति का अमृत। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, अपनी भक्ति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। प्यारा सच्चा सखा, तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन की लगी है लगन, तेरे दर्शन को मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन को मन को लगी है लगन, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, दीप्त हो जाए मेरा
यह अंतःकरण लिप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण लिप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण मेरी कुटिया को मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु मेरी कुटिया को जगमगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। सच्चा सुख क्या है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? सच्चा सुख वो है जो स्थायी रहे। सच्चा सुख वो है जो अंदर से हमें तृप्ति दे, तृप्ति तुष्टि शांति। ऐसा जब मिलता है सच्चा सुख तो वो स्थायी रहता है, और जो ये बाकी जो इंद्रियों के सुख हैं ये सब के सब अस्थायी हैं। तीन शब्द हैं सुख। एक पहला शब्द है सुख, इंद्रियों की तृप्ति से होने वाला सुख। बहुत अच्छा मन था खाने का आज, और बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बने थे, बहुत बढ़िया नमकीन बना था, बहुत बढ़िया बना। ये क्या है? ये इंद्रियों की तृप्ति से होने वाला सुख। दूसरा है हर्ष, मेरा नाम 5 बार लिया गया है स्टेज से। ये क्या है? ईगो की तृप्ति, अहम की तृप्ति। ये अहम की तृप्ति से जो होता है हर्ष कहलाता है, हर्षोद्वेग। हर्ष में उद्वेग में आ जाना, उद्विग्न हो जाना, हर्ष। और तीसरा है प्रसन्नता। प्रसन्नता यानी वो चीज़ जो हमेशा अपने अंदर बनी रहे और चेहरे पे भी दिखाई दे, मुस्कुराहट के रूप में, चेहरे पे भी मुस्कुराहट के रूप में दिखाई दे, और हमेशा हम अपने आप को प्रसन्न माने। तो ये जो सुख और आनंद में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि सुख जो है वो इंद्रियों तक सीमित है, और आनंद जो है वो अंतरात्मा तक तक चली जाती है। सुख और आनंद दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि सुख और आनंद जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। विवेक एवं संवेदनाओं से कैसे संतुलन बनाया जाए? बेटा ऐसा है, विवेक ऐसी चीज़ है जो लॉजिक पे टिकी हुई है पूरी पूरी तरह से, और संवेदना जो है वो भाव संवेदनाओं के माध्यम से काम करती है। संवेदना जब जागती है तो सबसे बड़ा काम ये करती है कि वो आदमी के अंदर एक अच्छाई के प्रति, एक श्रेष्ठता के प्रति, एक सुंदरता के प्रति, सत्य शिव सच जिसको कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, उनके उसके प्रति रुझान पैदा करती है। और विवेक जो है वो विवेक हमें अच्छे और बुरे में भेद बताता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्या है कि हम भेद नहीं कर पाते क्या गलत है क्या सही है। तो डिस्क्रिमिनेटरी विजडम इज विवेक। डिस्क्रिमिनेट करती है कि ये सही है कि ये गलत है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य क्या है? शरीर, संसार या आत्मा परमात्मा? न शरीर सही है, न संसार सही है, आत्मा परमात्मा ही सही है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आई है, इसीलिए हमको ये जन्म मिला है। और जिस दिन आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाएंगे उस दिन हमारा परम सुख मिल प्राप्त हो जाएगा। ये जो शरीर है ये तो हमको एक माध्यम मिला है, जस्ट एक मीडियम है थ्रू विच वी कीप ऑन डूइंग आवर वर्क, कीप ऑन फुलफिलिंग आवर डिज़ायर्स, थ्रू विच वी कीप ऑन डूइंग मैनी थिंग्स विच गिव अस सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन। पर संसार जो है ये एक प्रकार की माया है संसार। इसमें कई बार अपनी क्लासेस में बताता हूँ कि संसार में, इस विश्व व्यापार में दो चीज़ें हैं, संसार और अध्यात्म। संसार और अध्यात्म, संसार वो है जो हमें
अच्छी तरह से जीवन को जीना जीने के लिए मौका देता है कि जीवन जियो और जीवन जी करके अपने जीवन को सुख से जियो। और परमात्मा और अध्यात्म वो है जो हमें अपने जीवन को ऊंचा उठना सिखाता है, हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की अच्छाइयाँ लाता है। तो हमें किसके लिए जीना है, संसार के लिए कि अध्यात्म के लिए? हमें अध्यात्म के लिए जीना है। अध्यात्म के लिए जिएंगे तो संसार हमारे जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर है क्या, चारों तरफ संसार ही संसार है, बाजार ही बाजार है, दुकान ही दुकान है, मॉल ही मॉल है, सिनेमा ही सिनेमा है, टीवी है, हमारे पास अपना मोबाइल है, हमारे अपने खुद के कई वैरायटी के हमारे फ़ोन हैं, सेलफोन हैं। इसके माध्यम से हम क्या लेने की कोशिश करते हैं, हम संसार का सुख लेने की कोशिश करते हैं। और उसके बजाय यदि आप अगर ज़्यादा लेने की कोशिश करें तो भगवान के सुख को लेने की कोशिश, भगवान के आनंद को, भगवान की जो चिर स्थायी प्रतिष्ठा है जिसके लिए भगवान जाना जाता है। प्राण क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्राण वो शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है। प्राण शक्ति, वाइटलिटी, वाइटल फोर्स इज़ प्राण। और ये प्राण निरंतर बढ़ाया जा सकता है, निरंतर बढ़ाया जा सकता है श्वास प्रश्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, गहरे प्राणायाम के द्वारा। कई वैरायटी के प्राणायाम हैं जिनको तुमको पढ़ाया जाता है योग में। श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम केवल डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं, पर ये जो प्राण है, ये प्राण वास्तव में सही अर्थ में हमारे जीवन का आधार है, जीवन का मूल आधार प्राण है। और प्राण को हमने कंजर्व कर लिया। अब ये बताओ कि किसी का निधन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कोई मर जाए तो क्या कहते हैं उसको? प्राण चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, भगवान ने बुला लिया, निधन हो गया। धन चला गया, इसका मूल धन क्या है? मूल धन प्राण है। निधन हो गया, अभी निर्धन हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये जो प्राण है, ये प्राण हमारे जीवन का मूल आधार है और इसी को हमें अपने को बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। गायत्री में गए जो शब्द है, गए ये प्राण है, गए यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री, गए यानी प्राण, त्र यानी त्राण। तो ये प्राणों की रक्षा करने वाला मंत्र है गायत्री मंत्र, इसीलिए गायत्री मंत्र की महिमा इतनी बताई गई है। स्टेज फियर क्यों होता है? अरे खुला खुला रहता है तो स्टेज आ जाया करो, यहाँ बोल दिया करो, कुछ भी, कोई सुने नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय कोई सुन रहा हो उस समय बोलोगे तुम, तब तुम्हारा स्टेज फियर पता चलेगा। स्टेज फियर वास्तव में सही अर्थ में यह आपकी परीक्षा है, आपकी सही सच्ची परीक्षा है। गुरुदेव से मैंने कहा 1989 में, मैं उसके पहले मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन पढ़ाता था, तो मेरे सामने रहते थे करीब करीब 20-25 स्टूडेंट, बस उनको पढ़ाता था। पर जब यहाँ गुरुदेव ने कहा पढ़ाओ, तुम भी क्लास लो, तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, मैं इनके सामने बड़े बड़े विद्वान लोग दिखते हैं मुझे तो। अरे बोले कोई विद्वान नहीं है, तुम जब बोलो तो ये मान के चलो कि जैसे गंगा जी के किनारे ये पत्थर पड़े हुए ना, ये सब खड़े हैं यहाँ पे सामने, तुम ये मान के चलो कि ये निष्प्राण हैं, तुम अपनी बात इनके ऊपर से बोलो और अपनी बात कह जाओ, और अपने आप देखना तुम्हारी बात में प्राण होगा तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए स्टेज फियर को मिटाना है तो सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर है आत्मशक्ति, है आत्मशक्ति की सामर्थ्य है तो आप बोल सकते हैं। आपने इस हालत में भी हमें क्लास लेने, हमारी हालत ख़राब है क्या? क्यों नहीं, मैं नहीं समझता कि जिसका ऑपरेशन हुआ हो 4 जनवरी को वो वहाँ से यहाँ तक पैदल चल के आ सकता है, पर मैं आया हूँ, मेरी छड़ी साथ चल रही थी, मैं छड़ी नहीं उठाई, मैं पैदल आया हूँ वहाँ से यहाँ तक, तो मेरी हालत क्या ख़राब है भाई? किस बात के लिए तुम कहते हो कि हालत ख़राब है? हालत ख़राब नहीं है, मैं आई एम रिकवरिंग ग्रेजुअली एंड जस्ट 2 days बैक आई वॉज इन दिल्ली टू शो टू माई डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर ताली बजाने लगे, बोले डॉक्टर साहब हमने इतने ऑपरेशन किए हैं पर वास्तव में आपको देख के लग रहा है हमने कि
कोई ऐसी हस्ती भी है जिसने अपने आप को इतना अच्छा रिकवर कर लिया विद इन 1.5 मंथ। तो मैं खुश तो हुआ, परंतु खुश होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें बताईं कि आप अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत करिए, वाइटलिटी को फिर से एनहांस कीजिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं, मेरा एक 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 घुटने का ऑपरेशन हुआ है, एक इंसिजन है, इतना चीरा लगा है और वो इंसिजन पूरा ठीक हो गया है, बढ़िया है। और मुझे चलने में दिक्कत नहीं होती, मैं चक्कर लगाता हूँ। तुम लोग ऊपर हॉल में आते हो कभी कभी? आते हो माता जी जी के पास आते हो कभी? तो उस हॉल के मैं 25 चक्कर लगाता हूँ सुबह शाम, और उस चक्कर लगाने में मैं छड़ी को साथ नहीं रखता। कब तक रहेगी मेरे साथ? मैं अपने आप चक्कर लगाता हूँ। गुरुदेव ने गायत्री माता की मूर्ति कब और क्यों स्थापित की? गुरुदेव ने गायत्री माता की मूर्ति से पहले चित्र स्थापित किया। एक चित्र है जो गुरुदेव के कक्ष में है, ऊपर सबसे ऊपर जब आप जाते हो गुरुवार के दिन, रविवार के दिन, वो चित्र है। वो चित्र गुरुदेव ने 1944 में स्थापित किया और दुर्ग के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाया था। तो पहला चित्र गुरुदेव ने वो स्थापित किया। उसी के जैसी रिप्लाई का नीचे स्थापित हुई, उसी के जैसी एक रिप्लाई का तपोभूमि में स्थापित हुई, अखंड ज्योति संस्थान में स्थापित हुई। तो पहला तो गुरुदेव ने चित्र बनाया, फिर उसके बाद मूर्ति। तो मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति हमारी तप गायत्री तपोभूमि मथुरा की मूर्ति, दूसरी मूर्ति हमारी शांति कुंज की मूर्ति ऊपर वाली, शांति कुंज की तीसरी वाली मूर्ति, नीचे वाली मूर्ति, और उसके बाद फिर अनगिनत मूर्तियाँ, न जाने कितनी मूर्तियाँ बन गई। वो सारी की सारी मूर्तियाँ आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो मूर्ति भंडार वाला कहता है कि भाई साहब, हमें डॉक्टर साहब हमें इतना बड़ा बिजनेस मिल गया कि हमारी तो गायत्री माता की मूर्तियाँ तो खड़ी खड़ी बिक जाती हैं, इतने लोग ले जाते हैं, इतने लोग ले जाते हैं। है, मूर्ति से ज़्यादा ज़रूरी है मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ जो अध्यात्म है, मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ जो मर्म है, वो अगर पहचान समझ में आ जाए तो फिर मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। और बिना प्राण की मूर्ति किसी काम की नहीं। आपने खरीद ली मूर्ति, ला के रख ली घर में, परंतु तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के बेकार हो। क्या करें? पहले प्राण प्रतिष्ठा कराओ किसी विद्वान से, किसी समझदार व्यक्ति से जो इसने जीवन में गायत्री के तत्व दर्शन को जिया हो। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसमें प्राण आ जाएंगे। अपने व्यक्तित्व का दर्पण हम कैसे बने? जब तुम खुद दर्पण में अपने आप को देखो, और जब देखो कि तुम्हारे पर्सनैलिटी क्या है, पर्सोना, पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी बना है, व्यक्तित्व का दर्पण। आपके अंदर जो क्वालिटी नहीं है वो क्वालिटी डेवलप करो, कल्टिवेट द क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ को कल्टीवेट करना सीखो, और उनको कल्टीवेट करके अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। जो तुम हो वही बनो, जो तुम बनते हो वही तुम कहो, और जो तुम कह, एक वाक्य है, मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मनाम, वेद का वाक्य है, मन वचन और कर्म जिसके एक होते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। वो महात्मा नहीं कहलाता दाढ़ी रखता है, त्रिपुण तिलक रखता, वो नहीं, वो तो नकली आदमी है। ये मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मनाम, अपना मन वचन कर्म एक रखो। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये क्या है? ये कोई यंत्र है या कोई लिंग का प्रतीक है? मित्रों, ये जो है शिवलिंग, ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा संस्करण है, ब्रह्मांड का। और भगवान शिव जो हैं वो ब्रह्मांड के उस प्रतीक के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। इस शिवलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे पास बोलने वाले विद्वान हैं, जो हम आप सबके वाइस चांसलर साहब हैं, हमारे शरद पारथी जी भाई साहब, ये आपको कभी लेक्चर देंगे शिवलिंग का मर्म, शिवलिंग का महत्व, शिवलिंग के बारे में बताएंगे आपको, तो आपको उसके बारे में जान के अच्छा लगेगा। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड के प्रतीक की पूजा करते हैं। ये जो प्रतीकात्मक है, शिव का जो आधार है वो प्रतीकात्मक है, उसकी पूजा करते हैं हम लोग। जब ईश्वर एक है तो लोग इसकी भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्या क्यों करते हैं? भगवान एक ही है, विभिन्न रूपों में इसलिए पूजा की जाती है कि हम कई रूपों से उसको पहचाने। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि भगवान, इनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है। आप में से कईयों को मालूम नहीं है शायद कि
जो जिसका जिसको चूमा जाता है, जिस पत्थर को चूमा जाता है मक्का मदीना में, वो पत्थर शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, शिवलिंग को चूमते हैं लोग पाए। तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी देख लो तुम, तो तुमको ये पता चलेगा कि भगवान तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुना वदंती, एक ही है वो, बहुत 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 रूपों में लोग उसको जानते हैं। तो इसलिए ये जितने भी हैं बहुदेववाद, प्रतीकवाद, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम सबको सिखाने के लिए, हमको शिक्षण देने के लिए। मैं यहाँ पर विद्या अध्ययन करने आया हूँ, किंतु मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता हूँ, दवा अन्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता। बेटा तुम एक बार आके हमको दिखा दो, चलो हमको दिखा दो या अपने प्रोविसी को दिखा दो, और उसके बाद अगर तुमको आराम नहीं मिले तो हमको बताना, हम तुम्हारा अच्छे से इलाज कराएंगे। मैं यहाँ शांति पाठ में शांति का उच्चारण अंत में 3 बार ही क्यों करते हैं, 5 या 7 बार क्यों नहीं करते? अरे एक बार में आदमी परेशान हो जाता, भाई 5 बार का 7 बार क्यों क्यों करना चाह रहा? शांति 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 का मतलब होता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में शांति संव्याप्त हो। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनमें शांति संव्याप्त हो। जब कुछ बुरा सोचते हैं तो अंदर की चेतना हमें वो कार्य करने से रोकती है। अच्छाई के लिए कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे लिए अच्छा भी है, किंतु हम उस कार्य को कभी कभी मूर्त रूप नहीं दे पाते। आपने मूर्ति रूप लिखा है, क्यों हमारा चित्त विवश हो जाता है, क्यों हमारा हृदय उन अच्छाइयों पर नहीं टिक पाता? अच्छाइयों पर टिकना सबसे कठिन काम है। अगर अच्छाइयों पर आप टिक गए तो आप अच्छे आदमी बन जाएंगे। जब बुरा सोचते हैं तो अंदर की चेतना कार्य करने से रुकती है। अंदर की चेतना कौन सी है? आपकी आपकी स्वयं की अपनी अंतः चेतना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, कि जो हमारे अंदर है वही हमको पूरी तरह से गाइड करता है। पूरा 7वें 6वें अध्याय का एक श्लोक है, उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, उसको अवसाद में मत जाने दो। आत्म ही हो आत्मनो बंधु, आत्म ही रिपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो ये जो आपका बुरा सोचते हैं ना, ये आपका खुद अपना ही बुरा सोचते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। ये 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। और वास्तव में अगर हम ये ऐसा करने लगेंगे तो हमारा अंदर का विकास होने लगेगा। जब अच्छाई के लिए कदम बढ़ाते हैं, जानते हैं हमारे लिए अच्छा भी है, किंतु हम उस अच्छे कार्य को कभी नहीं दे पाते। कार्य ये देखो सबके लिए संभव नहीं है। अगर कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, इसके लिए क्या करें, आप एक छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, छोटा छोटा कदम, एक कदम छोटा सा छोटा। हम क्या करते हैं, बड़ा कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आज से सारी चीज़ खत्म, सब कुछ नहीं, देर से नहीं उठेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। अगले दिन जब नहीं उठते तो फिर निराश हो जाता मन। ये इतने बड़े बड़े संकल्प मत लो, इसको कहते हैं अणुव्रत लो, अणुव्रत, छोटा व्रत, छोटा संकल्प। अणु है ना मॉलिक्यूल, छोटा व्रत, छोटा व्रत लो तो छोटा व्रत निभ जाएगा तुम्हारा। क्या किसी सिद्ध महापुरुष की कृपा से व्यक्ति की लौकिक अलौकिक सफलता मिल सकती है? पूरे साहित्य में मैंने पढ़ा है कि अमुक संत की कृपा से व्यक्ति को कठिनाइयों से मिले। बट कुछ भी हो, सिद्धांत तो एक जगह एक रहेगा, शाश्वत, प्रारब्ध। प्रारब्ध होगा आपका अच्छा तो आपको मिलेगी, प्रारब्ध नहीं होगा अच्छा तो नहीं मिलेगी। इसलिए ये मत मान के चलो कोई ऐसा संत मिल जाएगा जो आपको आपके प्रारब्ध को काट देगा। सबसे पहले आपको अपना प्रारब्ध हल्का करना पड़ेगा। प्रारब्ध हमारा वो है जो हम संचित इकट्ठा करके ला रहे हैं कई जन्मों से। मेरा दूसरा प्रश्न है, कई व्यक्तियों से सुना है कि स्वामी विवेकानंद मछली खाते थे। अरे राम, ऐसा है स्वामी विवेकानंद तो नहीं, पर बंगाल के सभी जगह स्थानों में मछली को जल तुरई कहते हैं। सुना है तुमने, जल तुरई कहते हैं ना। तो जैसे हमारा एक दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, पश्चिम भारत है, इसका समुद्र किनारा है, यहाँ पर आम तौर से पाई जाती है मछली, और उसको मछली मार उसको तो निकाल के लाते हैं पानी में से, और वही भोजन है लोगों का। ये जो बंगाल में जो मिशन पनपा, रामकृष्ण मिशन, वो जो पनपा, उसमें इनका एक स्वरूप ये भी था कि हम इसको मांसाहार नहीं मानेंगे, और मांसाहार न मानकर, सब लोग ऐसे नहीं थे,
कुछ लोग ऐसे थे जो इसको खाते थे, और इसका मतलब ये नहीं कि जब वो लोग खाते थे तो हम क्यों नहीं खाएं, हम भी खाएंगे, खाओ, किसने मना किया, पर तुम्हें खुद का मन वितृष्णा से भर जाएगा जब तुम खाओगे तो। मैं थोड़ा आज बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे बोले मैंने प्रश्न, अब सारे प्रश्न हो गए पूरे। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। ये जो श्लोक है सातवें नंबर का, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका संदर्भ छठे से है। जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है। जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है, इसलिए अब उसी को आगे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालु, इसलिए तुम, तस्मात् इसलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करो। भगवान जो है श्री कृष्ण उवाच नहीं कहते, भगवान वासुदेव उवाच नहीं कहते, भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच। गीता कहती है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कह रहे हैं और भगवान की वाणी है ये, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करना है, युद्ध भी कर। युद्ध और स्मरण दोनों का जोड़ा है यहाँ पर, दोनों का जोड़ा है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, मुझ में अर्पित मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा, तू मुझे प्राप्त होगा। कितना बड़ा आश्वासन है कि अगर तुम निस्वार्थ भाव से कि भगवान को याद करोगे हमेशा, अरे जब भी मृत्यु आएगी तुमको भगवान के पास ही लेके जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं ले जाएगी। अगर आपने कुछ इधर उधर कुछ बातें सोची, क्या होता है हमारा मन बड़ा मटमेला होता है, ज़रा सा हिला दो मटमेले पानी को तो पूरा गंदा गंदा हो जाता है। हमारे मन में मटमेलापन होता है, उस मटमेलेपन की वजह से हम बड़े गंदे विचार सोचते हैं बार बार। इसलिए उन गंदे विचारों से हटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करें। बार 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 उन्हीं बातों को सोचें जो आपके हित की हैं। बार 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 परमात्मा का परिभाषा क्या है, नए बच्चे आ गए इसलिए मैं उनसे पूछूंगा परमात्मा की परिभाषा क्या है। हाँ, आदर्शों का समुच्चय, आदर्शों श्रेष्ठता और जितनी भी प्रकार की अच्छाइयाँ हो सकती हैं उन सबका समुच्चय अगर कहीं है इकट्ठा तो वो है परमात्मा। और ऐसे परमात्मा को हम सबको मिलजुल करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्या करें, कैसे करें, हम वैसे आदर्श जीवन में उतारें, अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारें, तभी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं संसार में वो सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएँ। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। बड़ा मुश्किल है, सब समय में याद करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ये कहते हैं कि आठवां अध्याय जो है ना अक्षर ब्रह्म योग है, और भगवान एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का मरण सुधर जाता है। स्मरण मात्र से मरण सुधर जाता है, मरण जो होगा वो सही जगह होगा। जीवन जीने की कला बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो जीवन जीना जानते हैं वह मृत्यु भी जानते हैं। जिन्हें जीवन की कला का बोध है उन्हें मृत्यु की कला का ही बोध होना चाहिए कि मृत्यु की कला क्या होती है। कबीर ने कहा है मरो है जोगी मरो, मरो है जोगी मरो, है जोगी मर, मर के दिखा, और मर के ऐसा दिखा जैसे सही अर्थों में व्यक्ति को मरना चाहिए। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है झूठा। ये जो मरण है ये तो झूठा है। सच्चा मरण कौन सा है, जब तुम अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाते हो,
जब तुम अपनी वासनाओं से, इन जीर्णताओं से मुक्त हो जाते हो। तो भगवान ये कहते हैं तो जीवन जीने की कला का जिन्हें बोध है उन्हें मृत्यु की कला का ही बोध होता है। कला में एक नैसर्गिक सौंदर्य होता है। कला शब्द जो है अपने कहते हैं ना आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, ड्राफ्टिंग, चित्र बनाना, ये एक कला है। और 2 × 2 = 4 × 2 × ये क्या है, ये साइंस है। साइंस में और कला में अंतर है। कला खूबसूरत चीज़ है, कला मीठी है, कला खूबसूरत है, सुंदर है। और कला में स्कल्पचर है, कला में मूर्तिकला है, कला में चित्रकला है, कला में गाना है, गायन है, कला में मिठास है। तो ये कहते हैं कला में नैसर्गिक सौंदर्य होता है, कोई भी कला हो। हमारे यहाँ आजकल की महिलाओं को एक शौक लग गया है, ये उठाया और इसमें देखना चालू किया कि क्या, कौन सी नई रेसिपी आई है इसमें। और रेसिपी को देख करके, और रेसिपी भले ही वो रेसिपी बनाने के सामर्थ्य ना हो, पर वो रेसिपी को सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो ये जो पाक कला है ये भी एक कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, ये भी महत्वपूर्ण है। संगीत कला भी तुमने सुनी। हम जो जीवन जीते हैं बड़ा बेढंगा बेसुरा जीवन जीते हैं, हमें अपने जीवन जीने से स्वयं संतुष्टि नहीं है। कला से स्वयं को संतुष्टि मिलती है, दूसरे को हम सहज आकर्षित करते हैं। कलाकार होता है वो, चाहे वो नाटक कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, चाहे वह वाक्य बोल रहा हो, चाहे वह संवाद बोल रहा हो, तो उससे वो दूसरों को प्रभावित करता है। जीवन जीने की कला ऐसी है। फिर जीवन जीने का आनंद केवल आप ही नहीं प्राप्त करते, उससे आपके आसपास और भी जो लोग हैं वो भी प्राप्त करते हैं, सबको आनंद मिलता है। तो इस श्लोक में, इस वचन में कई तत्वों की बात भगवान कहते हैं। तस्मात् यानी क्या है, मैंने कहा आपको, इसलिए अब। तस्मात् यानी इसलिए अब हम बात करते हैं, कहाँ की, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सब समयों में, कभी भी, सोते समय, गाते समय, नृत्य देखते समय, लेक्चर सुनते समय, फिल्म देखते समय, सभी समयों में हम हर समय, ऐसा नहीं कि इस क्षण और अगले क्षण नहीं, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, मेरा स्मरण कर। पर भगवान कहते हैं, इतना बढ़िया मंत्र देते हैं, मेरे को याद कर, मुझे याद कर, मुझे याद कर, मुझे याद कर, मुझे मतलब भगवान के गुणों को याद कर, भगवान के गुणों को याद। भगवान जब कहते हैं मेरा स्मरण कर, तो वासुदेव का स्मरण करने के नहीं बोलते, कृष्ण का स्मरण करने को नहीं बोलते, परमात्मा का स्मरण करने को बोलते हैं, जिसमें उनकी वाणी निसृत हो रही। इसलिए वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, भगवान उवाच। भगवान चेतना में स्थिर होकर बोलते हैं, परमात्मा की चेतना में। तो दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, 72वां श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। वो अपना स्वयं परिचय देते हैं कि ब्राह्मी स्थिति में बैठ करके अर्जुन मैंने ये बात तुमसे कही है, ब्राह्मी स्थिति में। तो जो ब्राह्मी स्थिति में है वो भगवान है। और फिर वो कौन है अपना परिचय भी देते हैं, कालो अस्मि लोक शैकृत प्रबुद्धो, ये 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, मैं महाकाल हूँ, क्योंकि इस काल को क्षय करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट पर्सन के रूप में बोलते हैं, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, और साथ में युद्ध भी कर, युद्ध युद्ध च, युद्ध भी कर, कर्म भी कर, संघर्ष भी कर, संघर्ष कर अनीति से, संघर्ष कर आक्रोश से, संघर्ष कर झूठ से, संघर्ष कर विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं से, संघर्ष कर पांडवों को वो कह रहे हैं, कौरवों से युद्ध करो, क्यों, वह नीति के पक्षधर हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व इसके बाद मुझ में वास करने लगता है, तेरा संपूर्ण व्यक्तित्व मुझ में वास करने लगता है। स्मरण क्या है, स्मरण किसको कहते हैं, स्मरण कहते हैं याद करना। जैसे अब यहाँ तुम हो, अभी कई लोग कभी अभी अभी आए हो, कई लोग पहले आए हो, भाई बहन की याद आती, माता पिता की याद आती, ये स्मरण है। स्मरण कोई विचार होता है, कोई हमें बात कहता है, हम याद कर लेते हैं, जहाँ हमारी रुचि होती है उसे हम याद करते हैं, रुचि नहीं होती है तब भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वो भी याद करना पड़ता है। जिसके प्रति हमारे भाव जगते हैं उन्हें हम याद करते हैं। क्रमिक रूप से याद आने वाली प्रगति, याद जैसी हमारी बढ़ती चली जाती है, हमारी याद प्रगाढ़ होती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी अनुभूति प्रगाढ़ होती है, हम उसकी याद करते हैं। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी याद हमें हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। और कोई ऐसा है जिसको हमारा अपमान करके चला गया, चाटा मार के चला गया,
गाली देके चला गया, हमें बार बार वो भी याद रहेगा। ये बुरी याद है, नेगेटिव याद है। एक अच्छी याद है जो आपको तारीफ करके गया आपकी, और आपको बता के गया कि आपके अंदर कितनी विशेषताएं हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, गिर पड़े, अचानक कोई दुर्घटना हुई, तो वो भी हमारी एक याद बन जाती है। मनोविज्ञान में जिन बातों को हम कहते हैं वो हमारे जीवन की अनुभूतियाँ होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व की दिशा को बदल दे। जैसे मान लो फोबिया, फोबिया एक होता है एक्रोफोबिया, नाम सुना है तुमने, ऊंचाई से गिरने का भय। बचपन में कभी गिरे थे टब में माँ के हाथ से, तो तब से वो डर ऐसा बैठ गया कि वो निकलना चाहिए, तो फिर साइकोथेरेपिस्ट जो है उसको निकालते हैं। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, फिर हम डरते चले जाते हैं। छोटा बच्चा है, बार बार वो पानी में नहाते समय बार बार डरता है, बार बार डरता है, ऊंचाई से डरने लगता है, बड़ा होने पर भी ऊंचाई से डरता है। बड़े होने पर जो बच्चा सब जगह नॉर्मल रहता है, लेकिन वो डर अंदर बैठा रहता है, स्मरण होता रहता है, अंतरधारा चलती रहती है। फिर कोई आता है थेरेपिस्ट, उसको ठीक करता है, उसको निकालता है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समयों में, समस्त समयों में, समस्त कालों में तू अपने आप को मेरे नज़दीक मान। मैं तेरे नज़दीक हूँ, तू मेरे नज़दीक है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? थोड़े समय के लिए तो हो सकता है, थोड़े ज़्यादा समय के लिए हो सकता है, लेकिन सभी कालों में कैसे संभव है? कि हमारी ऐच्छिक क्रिया न रहे, हमारी अनैच्छिक क्रिया बन जाए, ये हमारी वॉलंट्री एक्शन न बने बल्कि हमारा इनवॉलंट्री एक्शन बन जाए कंटिन्यूस। सारे भगवान है अपने अंदर। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं मंच पर बैठता हूँ तो मंच पर बैठने वाले जो लोग होते हैं मेरे साथ बैठे बैठे, हाथ में वो रहती है उनकी माला, छोटी सी छोटी होती है माला, करते रहते, बात भी करते रहते, मुझसे बात करते रहते हैं, और डॉक्टर साहब आजकल कैसा चल रहा है आपका, आपके संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी माला चल रही है आपकी माला चल रही है, मतलब माला चलते समय आपको नहीं बात करना चाहिए, मेरा ये इशारा रहता है। बोले वो चलती रहेगी, ये स्मरण नहीं है, यह स्मरण नहीं है, ये क्या है, ये तो ढोंग है, ये ढोंग, और ये आप जो बोल रहे हैं गलत है। जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जो उठाते, हाथ उठाते हैं तो उठ जाता है, नहीं उठाते नहीं उठता। इसी तरह से जो हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स हैं वो भी हमारे इसी प्रकार चलते हैं जो इच्छानुसार चलते हैं। इसी तरह से हर क्रिया हमारी ऐच्छिक नहीं होती। जैसे श्वास लेना ऐच्छिक है, थोड़ी देर के लिए हम इच्छा से बंद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उसे बंद नहीं कर सकते हमेशा के लिए। श्वास लेना भूल जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अरे क्या करें आज तो सांस लेना ही भूल गए, ऐसा कोई कहेगा तुमको, तुमको लगेगा कि कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। श्वास लेना कोई भूल नहीं सकता। हृदय की गति बंद होना या मस्तिष्क की गति रुक जाना दो ही कारण हो सकते हैं मरने के दो ही कारण हैं। हम पूछते हैं कौन सी डेथ थी, सेरेब्रल डेथ थी कि कार्डियक डेथ थी, तो फिर वो बताते हैं सेरेब्रल डेथ थी, पहले मस्तिष्क बंद हुआ फिर बाद में बाकी सब बंद हुआ। हृदय बंद हुआ पहले या मस्तिष्क बंद हुआ, ये हम पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है थोड़े समय के लिए होता है, और योगी लोग जो हैं उसको हमेशा के लिए रोक लेते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। हम जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर हिमालयन इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी राम थे जिन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज बनाया, वो विश्वविद्यालय बन गया है, और टेक्निकल कॉलेज भी बन गया, मेडिकल कॉलेज भी बन गया, पूरे इंस्टीट्यूट दो तीन भागों में बढ़ गया। जिस ज़माने में मैंने देखा था, जिस समय चिन्मय वहाँ पढ़ रहा था, उस ज़माने में बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर आज तो बहुत बड़ा विराट रूप हो गया। इन स्वामी राम की प्रसिद्धि ख्याति इसी सत्य को लेकर हुई थी कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, इन्होंने अपनी श्वास कुछ मिनटों के लिए रोक दी थी, ऐच्छिक ढंग से, ऐच्छिक रूप से, नहीं रोकी जा सकती पर रोकी थी इन्होंने। लोगों ने मॉनिटर किया, और मॉनिटर करने के बाद उनके पास इतना पैसा आया, लोगों ने उनकी खूब प्रसिद्धि हुई, पैसा आया, उससे उन्होंने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह पे बना है, मैं गया भी हूँ, मैं देख के भी आया हूँ, और इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया कि हाँ मैं रोक सकता हूँ इच्छा से सांस रोकी जा सकती है। 1970 के दशक की घटना है, और ये हुआ था, ये वास्तविक घटना है, और ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में मिल जाएगा आपको, और आपको गूगल पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार माना गया था। अपनी अनिच्छिक क्रियाओं पर भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रण कर लेना,
अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पर भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रण कर लेना, ये है। तस्मात सर्वेषु कालेषु, पर हम कहें सर्व कालों में कौन होता है? हमारे दिल की धड़कन सर्व काल में चलती रहती है, श्वास की गति सर्व काल में चलती रहती है, स्मरण सर्व कालेषु नहीं चलता, युद्ध सर्वेषु कालेषु नहीं चलता, स्मरण नहीं चलता सब सब कालों में। इसलिए उसको एक हैबिट बनाओ, एक प्रैक्टिस बनाओ। कर्म सर्वेषु कालेषु नहीं चलता, स्मरण यदि गहरा हो जाए, बहुत गहरा हो जाए, बहुत गहरा, तो हम क्या करेंगे, स्मरण हमारे अंदर रम जाएगा, हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। कई कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतना स्मरण किया भगवान का कि अंदर से बाहर तक उनके शरीर से स्मरण ही स्मरण, स्मरण ही स्मरण निकलता रहा। विचार, रुचि, भाव और अनुभूति चार शब्द हैं, विचार, रुचि, भाव और अनुभूति, ये हमारे स्मरण को क्रमिक रूप से प्रगाढ़ बनाते हैं। विचार, रुचि, भाव और अनुभूति। स्मरण के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, कैसे गहरा होता है स्मरण? प्रयास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से। आप लोग जब याद करते हो, पढ़ते हो, याद करते हो, तो कैसे याद करते हो बताओ? बार बार ही, बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, रटते हो, समझ समझ के याद करते हो, मुझे मालूम है रटते हो, मुझे मालूम हाँ नहीं समझ में आता, रटते हो। और रटना जो है एक प्रकार से एक प्रैक्टिस बन जाती है कि वो बार बार वही निकलता है फिर मुँह से। हम मंदिर में जाते हैं तो घंटियों की आवाज़ होती है, याद हो जाती है। किसी से किसी क्लास में हमने कोई बात सुनी और याद आ जाती, कभी अनायास याद आ जाती। दो तरीके होते हैं स्मरण के, प्रयास और अनायास, प्रयास और अनायास, एक प्रयास के द्वारा, एक अनायास के द्वारा। तीसरा तरीका भी है, स्मरण वृत्ति बन जाए, तरंगित होती रहे मन में, स्मरण एक वृत्ति बन जाए, एक टेंडेंसी बन जाए, एंड कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग इन योर इनर माइंड, आपके अंदर घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे। थोड़ा सा स्टिमुलेशन होने पर ही हमको उनकी याद आ जाती है। मिठाई खाने वालों से पूछो, जो मिठाई खाते हैं, गुलाब जामुन कर लो, नाम लो उनके सामने, तो उनके मन में कुछ होने लगता है, कुछ कुछ होता है, वृत्ति आ जाती है स्मरण में, लहर उड़ जाती है। वृत्ति चेतन मन में उठती है, स्मृति अवचेतन में रहती है। वृत्ति चेतन मन में और स्मृति अवचेतन में, मिटती नहीं है, प्रकट होती रहती है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का खेल है ये, टू एंड फ्रो चलता रहता है इधर से उधर। तो कई यादें ऐसी होती हैं जो अगले जन्म तक चली जाती हैं, सामान्य यादें जो होती हैं अभी हैं, पर गहरे में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी यादें जो हैं वो अगले जन्म तक चली जाती हैं। हम योग पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसके सिद्धांत, उसकी प्रतिक्रिया हमें याद रहती हैं, बहुत दिनों तक याद रहती हैं, हमें बुढ़ापे तक याद रहता है। मुझे अभी तक कई चीज़ें याद हैं मेडिसिन की जो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं बीच बीच में रिपीट करता रहा, रिपीटेशन, बार बार, जब कोई चीज़ बार बार आपके माथे पे हॉन्ट करेगी तो आपको याद रह जाएगा। एक महापुरुष हुए हैं, तुमको उनका नाम जैसे ही बोलूँगा याद आ जाएगा, रामानुजम, है ना, 9 जनवरी 38 को पैदा हुए थे, 27 अक्टूबर 74 को उनकी डेथ हुई। गजब की मेमोरी, एक शब्द बोला नहीं कि तुरंत उससे रिलेटेड कई चीज़ें बोल देते थे, कईयों की गजब की मेमोरी होती है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अभी तक हम भूले नहीं हैं। हम एक हमारी पल्स देख रहे थे डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब डॉर्सल स्पीडिस देख रहे हैं आप, तो बोले हद होती है, आपको कितने साल हो गए MBBS के को? मैंने कहा मैंने 71 में किया था MBBS, जनवरी 71 में, और MD किया मैंने 75 में। तो बोले कि तो भी बहुत ज़्यादा है भाई, ये डॉर्सल स्पीडिस कहाँ से याद रह गई तुमको? अब मैंने कहा रह गई, अब कहीं थी अंदर, तो आ गई, निकल के बाहर आ गई, प्रयास से आ गई। डॉर्सल स्पीडिस ये अपनी जो पैर होता है ना, पैर के यहाँ पर होती है, तो इसको इसलिए फील करते हैं कि फील करने से पता चल जाता है कि यहाँ सर्कुलेशन पैर में कितना है, कितना कम है। तो डॉक्टर साहब तो बड़े सरप्राइज्ड हो गए, बोले हमें अभी तक याद नहीं है, हमें भूल याद करने के आना पड़ता है, और आपको डॉर्सल स्पीडिस याद है? मैंने कहा भाई याद है, हम क्या करें, हमें याद है, आप भी याद रखा करो। संस्कारों में समा जाती है जो बात वो याद रहती है, जो संस्कारों में समा जाती है वो याद रहती है। खासतौर पे हमारे जीवन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड
द्वेष, जेलसी, राग और द्वेष, और यही सबसे बड़े बाधक है हमारे। संस्कार कभी कभी ऐसा हो जाए, स्वभाव बन जाए, संस्कार हमारा स्वभाव बन जाए और हमारा स्मरण बहुत गाढ़ा हो जाए। कैसे? जैसे दूध को उबालते जाओ, क्या बन जाता है? रबड़ी। उबालते जाओ, रबड़ी बन जाती है। इसी तरह से स्मरण को उबालो, कंटिन्यूस। ये मैं तुमको पढ़ाई का सूत्र बता रहा हूँ, इसके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से ये तुम्हारे अंदर रवां हो जाएंगे और ये स्वभाव में घुल जाएंगे। तो क्या हुआ? संस्कार जब अच्छी तरह स्वभाव में घुस जाए तो फिर अल्टीमेटली हमारे अंदर रोम रोम में प्रवेश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे स्मरण की बात करते हैं, स्मरण स्वभाव बन जाए और स्मरण स्वभाव बन जाता है उसका प्रभाव भी आता है, फिर हिसाब किताब नहीं रहता है, हमारे पास कोई कारण नहीं रहते, स्वभाव ही होता है हमारा। और जब स्वभाव होता है तो हम स्वभाव के माध्यम से अपना परिचय देते हैं, हमेशा अपनी वाणी में हमारे वही चीज़ें आती हैं जो हमारे स्वभाव में होती हैं। भगवान क्या कहते हैं? असंशया मामे वैश्य, बिना किसी संशय के तो मुझे प्राप्त होगा, मामे वैश्य तो मुझे प्राप्त होगा। यह असंशय वाली बात, बिना किसी संशय के। स्मरण के 7 डायमेंशन में बता देता हूँ, डिटेल नहीं बताऊँगा। स्मरण के 7 डायमेंशन है मेमोरी के, प्रयास, अनायास, 2 बता चुका, अब इसके बाद है तीसरा वृत्ति, चौथा है स्मृति, वृत्ति स्मृति, प्रयास अनायास, वृत्ति स्मृति, फिर है संस्कार, इसको संस्कार बना लो, संस्कार को स्वभाव बना लो, अगला स्वभाव, और इसका 7वां आयाम है प्रभाव, वो इतना इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि प्रभाव डालने लगे, 7वां प्रभाव, प्रयास अनायास वृत्ति स्मृति संस्कार स्वभाव और प्रभाव, ये 7 तत्व स्मरण के हैं। और इसका अर्थ हुआ, स्मरण गहरी बात है। भगवान कबीरदास जी कहते हैं, जिन खो जाते इन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। सुमिरन स्मृति थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, हमारी चेतना कई डायमेंशन हैं, चिंतन हमारी अंतर चेतना का हिस्सा है, हमारे सोच विचार भाव इसी में होते हैं, तो हमारा सोच विचार भाव जो होते हैं ना, जो अंदर जहाँ जिस स्थान पर होते हैं, वो चित्त नहीं होता, चित्त हमारा बड़ा हटी होता है, ज़बरदस्त होता है, बड़ा हट वाला होता है, जैसे कपड़े में तेल के दाग की तरह से, मोबिल का तेल लग जाए, अगर गाड़ी साफ कर रहे थे, मोबिल का तेल लग जाए, फिर धुलेगा नहीं, फिर तो ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, चाय का दाग भी आसानी से नहीं छूटता, जिद्दी से जिद्दी दाग, आपने विज्ञापन में सुना होगा, जिद्दी से जिद्दी दाग भी छुड़ा दे, ऐसा दाग भी होता है। ये दाग जो है ये चित्त में लग जाए तो फिर चिंतन व चित्त मिलकर के हमारी चेतना का प्रवाह बनाते हैं, चिंतन और चित्त ये 2 मिलकर के हमारी चेतना का प्रवाह बनाते हैं, और चेतना का प्रवाह जब मुड़ने लगता है, चित्त की धाराएं भी मुड़ने लगती हैं। इसलिए चिंतन की धाराएं जब मुड़ती हैं तो फिर चेतना की गति मुड़ती है, और ये तभी संभव है जब स्मरण गाढ़ा हो। स्मरण को गाढ़ा बनाने की कोशिश करो, स्मरण को जितना ज़्यादा कंडेंस्ड, तुमने सुना होगा कंडेंस्ड मिल्क होता है, कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा डालो तो भी चाय बन जाती है, ज़रा सा डालो तो भी, कंडेंस्ड बनाओ उसको, कंडेंस्ड चित्त को। हम स्मरण तो करते हैं लेकिन हमारी भावनाएं बटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, हम अपने मित्रजनों को भी याद करते हैं और कुछ हमारे शत्रुओं में बटी हुई हैं यादें, एक को हम प्रेम से याद करते हैं, एक को नफरत से याद करते हैं, लेकिन याद दोनों को करते हैं। ये भावनाओं को विभाजन मत होने दो। एक रंग राग का है, एक रंग द्वेष का है, इसलिए दोनों रंगों को अलग अलग करो, और एक की चर्चा हम सुखपूर्वक करते हैं, एक की चर्चा हम टीस के साथ करते हैं। यदि राग और द्वेष दोनों न हो तो दोनों मिलकर के प्रेम बन जाए, राग और द्वेष को मर्ज कर दो, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी जेलसी डिटैचमेंट, नेगेटिविटी इज द्वेष, और जो टू मच ऑफ अटैचमेंट है वो है राग। राग और द्वेष ये 2 सबसे बड़े बाधक हैं, गीता की पूरी समरी एक ही है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग द्वेष से मुक्ति पालो। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ मिलेगी, आपके अंदर प्रगाढ़ प्रेम डेवलप होगा मानव मात्र के प्रति,
और वो प्रेम जो है अहोभाव बन जाएगा, प्रेम अहोभाव बन जाएगा। प्रेम से अहोभाव का विकास ये आसान नहीं होगा, पर हो जाए, जब हो जाए तो आप देखिए आपके अंदर कितनी शुद्धि पैदा होती है। भाव के कई रूप हैं, विचार के कई रूप हैं। भाव हल्का सा उठा, टूटा बिखरा, भावुकता का ज्वार उठा, भावनाओं में अस्थिरता आई, पर प्रगाढ़ हो गई, धीरे धीरे महाभाव हो गया। और इसके बाद फिर आपको बड़ी गहरी सामर्थ्य होती है इसमें। भावुकता से महाभाव तक की यात्रा है ये। भावुकता, भावना, भाव, महाभाव, ये भावुकता से महाभाव की यात्रा है। भावनाएं हमारे लिए महाभाव बन जाती हैं। कुछ हो ना हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय इसको बना रहने दो, हर समय इसको बना रहने दो अपने मन में। किनको? अच्छी भावनाओं को, श्रेष्ठ भावनाओं को। जैसे श्वास बहती है ऐसे इसको बहने दो। ऐसा स्मरण, ऐसा प्रगाढ़ स्मरण, एक क्षण भी न टूटने वाली डोर, श्वासों की डोर की तरह से हमारी डोर चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। ऐसा स्मरण जो चिंतन को, चित्त को, चेतना को अपने आप में समेट ले। चिंतन को, चित्त को और चेतना को अपने आप में समेट ले। ऐसा स्मरण व्यक्तित्व की ऊर्जा की दिशा ही बदल दे। ऐसा स्मरण कठिन है लेकिन संघर्ष है। इसलिए भगवान कहते हैं युद्ध च, युद्ध भी कर साथ में, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध वो भी है जो वहाँ लड़ रहा है कौरवों के साथ, और युद्ध वो भी है जिसको अपने अंतर जगत में लड़ना पड़ रहा है। अंतर जगत का देवासुर संग्राम एक अलग ही लड़ना पड़ रहा है उसको। कबीर दास को याद करो। कबीर जुलाहा थे, सूत काटते थे, धागे बनाते थे, धागे बुनते थे, वो कपड़ा बुनते थे, बड़ा अच्छा कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुनते बुनते उनके मन में गीत उभरते थे, उनके शिष्य उन गीतों को लिख लेते थे। कबीरदास कहते हैं, अपना परिचय देते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज छुआ नहीं और कभी कलम हाथ में पकड़ी नहीं, तो फिर कैसे याद रह गया, कैसे याद रह गया? क्योंकि ये भावनाओं के उस स्तर पे, महाभाव के स्तर पे चलते रहे। तो उन्होंने उसी स्तर पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गूंथ लिया था कि वो जो गाते थे उनके शिष्य कागज पेन लेके बैठे रहते थे, वो लिखते रहते थे, वो लिखते रहते थे। और ये शब्द 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 जो हैं कवि कबीर के जो हैं, तीन चीज़ें हैं, साखी, सबद, रमेनी, तीन हैं, साखी, सबद, रमेनी। ये तीनों के तीनों जो हैं ये सब शिष्यों के द्वारा नोटेड हैं। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, पर वो सब कहाँ से आ गई? जो स्मरण था कबीर का, जो स्मरण था, अंदर तरंगे उमंगती थी, लहरें पैदा होती थी, वो सारी की सारी भाव की लहरें, महाभाव की लहरें पैदा होती थी, वो गीत बन जाती थी। साधो सहज समाधि भली, सब बोल गए वो तो, वो पद बन जाती थी, वो गान बन जाती थी, स्वर फूटने लगते थे। सोचो कबीर कपड़ा बुन रहे हैं और गीत फूट पड़ा, शिष्यों ने देखा, लिखने लगे और लिखते लिखते उसको क्रमबद्ध कर दिया। कबीर की तरह मीरा भी थी। कबीर की तरह मीरा को मानोगे कि नहीं तुम? कि मीरा भी पद्य बोलती थी, मीरा भी गाती थी। मीरा की एक सखी थी जो मायके से साथ लाई थी, वो ललिता नाम था उसका। मीरा को होश नहीं रहता था, मीरा को स्मरण विभोर कर देता था, वो भावना में चली जाती थी, भाव के पीक में मीरा नाचने लगती थी। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, स्मरण की धारा प्रबल हुई तो मीरा गाने लगती थी। मीरा को इस बात का होश नहीं रहता था, वो अपना गाना लिखे। मीरा विद्वान नहीं थी, मीरा भक्त थी, पर भक्ति के पराकाष्ठा में विद्वत्ता पूरी निकल आती है। भक्ति की पराकाष्ठा में विद्वत्ता पूरी निकल आती है। भक्ति की पराकाष्ठा श्री अरविंद में भी थी, पर वो विद्वान भी थे। दोनों चीज़ निकली तो सावित्री बन गई। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका आध्यात्मिक विकास अंदर से कितना हुआ है। मीरा के अंदर प्रेम प्रगाढ़ था, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम जिसमें राग और द्वेष दोनों समा गए थे। न उसके मन में अपने देवर के लिए कोई द्वेष, न उसके मन में किसी आदमी के लिए द्वेष, किसी व्यक्ति के लिए द्वेष, न जहर देने वाले के लिए द्वेष, न सांप पोटली में रखे लाने वाले के लिए द्वेष, सबके लिए एक जैसा प्रेम, सब भगवान कृष्ण। केवल गोपाल बचे थे, केवल कृष्ण बचे थे। मीरा की चेतना कृष्ण की चेतना बन गई थी। मीरा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करते करते मीरा के मुख से पद फूटने लगते थे। मैंने गिरधर लीनो मोल, लियो तराजू तोल, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर मैंने तो तोल लिया, मैं तो तोल के लाई हूँ। और ललिता लिखने लगती थी। कविता, कवियों के अंदर सोच पैदा होती है, विचार पैदा होते हैं,
कोई चीज़ होती है जो भावुक कर देती है। ऐसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, न जाने क्या 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 लिख पाने। बहुत बढ़िया कोश है ये व्हाट्सएप, वो पूरी दुनिया भर की कविताएं इसमें मिल जाएंगी आपको। पर मेरा नाच उठती है, मेरा प्रभु प्रेम में नाच उठती है, स्मृति में नाच उठती है, मेरा झूम झूमने लगती है। उसके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र, उसके लिए सब कृष्ण है, सब कृष्ण। मीरा का स्मरण, मीरा की स्मृति, मीरा की भाव समाधि बन जाती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मीरा की तरह से, कबीर की तरह से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु आप भी बन जाओ। आप हमेशा याद करो तो क्या होगा, आप भगवतमय बन जाओगे, भगवानमय बन जाओगे। भगवान ने कहीं बुला लिया गलती से, कहीं जल्दी टाइम पे बुला, टाइम से पहले बुला लिया, तो भगवान के स्मरण में डूबे हुए जाओगे ऊपर और अच्छी गति होगी। एक क्षण ऐसा नहीं, एक पल ऐसा नहीं, शयन में, जागरण में, कर्म में, अकर्म में, विकर्म में, विचारों में, भावों में, श्वासों में, चिंतन में, चेतना में, स्मरण में, हमेशा भगवान 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 ही भगवान। कर्म करते हैं कबीर, ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देते हैं। जुलाहा हैं, कपड़ा बुनते हैं, पूरा कर्म करते हैं, धागा पूरा बनाते हैं, कपास पूरा काटते हैं, कपड़ा अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद बाज़ार जाते हैं, बेचते भी हैं। मीरा सारे काम करती है, रैदास जूता गांठते हैं, और जूता गांठने के साथ साथ चमड़े का काम करते हैं और गाते भी जाते हैं, प्रभु तुम चंदन हम पानी। अब ये देखिए, ये भक्त लोगों की कहानियाँ हैं, उन भक्तों के जो कवि बन गए, जो गीतकार बन गए, जिन्होंने अपने रोम रोम में, कण कण में भगवान को बसा लिया। भगवान कहते हैं सामान्य कर्म के साथ युद्ध में भी, संघर्ष में भी, कठिन पलों में भी जो होते हैं उनमें तुम भगवान को याद करो। सामान्य क्षण तो की बात तो अलग है, असामान्य क्षणों में भी, युद्ध के समय में भी याद करो। ये हमारा आज के सैनिकों को मिलिट्री साइंसेज में पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई तुम हमेशा भगवान को याद करो, गीत गाते रहो भगवान के, वो भारत देश है मेरा गाओ, कोई दिक्कत नहीं, मन में मन 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 अंदर गुनगुनाते रहो। और जब मारो तो ऐसा मारो कि 7 पाकिस्तानी नहीं, कम से कम 70 पाकिस्तानी मार के आओ, ऐसे मारो, मारना है। जब भगवान तुम्हारे अंदर रोमे रो वो करेगा, भ्रमण करेगा, भगवान भ्रमण करेगा तो जरूर मारेगा, जरूर मारेंगे। कितनी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, लक्ष्य संधान होता है तो उसमें कितनी एकाग्रता की जरूरत। तुमने देखा कभी जब कोई शूट करता है तो किस तरह, आजकल एक गजब का एक मैं नहीं बोलता उसको लक्ष्य संधान जब करते हैं, जब निशाना लगाते हैं धनुष बाण से या किसी भी चीज़ से, तो कितनी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। एकाग्रता में हम श्वास लेना भी नहीं भूलते, उस एकाग्रता में हृदय की गति भी नहीं थमती, उस एकाग्रता में भी स्मरण हम, उस एकाग्रता में भी स्मृति हमारी यथावत रहती है, उस लक्ष्य संधान में भी स्मरण बना रहे, स्मरण बना रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी काल में डोर टूटे नहीं, हमेशा बनी रहे, मेरा स्मरण, मेरे स्मरण, मेरे स्मरण। युद्ध और योद्धा बड़ी महान गति है, मिलिट्री एंड मेजर, मिलिट्री का मेजर और योद्धा, युद्ध और योद्धा, मिलिट्री साइंसेस और मेजर, बड़ी महान गति है। योद्धा ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, उसके सामने लक्ष्य होता है। कलाकार और योद्धा और योगी एक ही स्थिति में कैसे, दोनों अपनी चेतना के शिखर पर जीते, अपनी पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पर जीते हैं। जब पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पर जीते हैं तो किसी की चिंता नहीं करते, अपनी जान की चिंता नहीं करते, किसी की चिंता नहीं। मेरे को एक बात याद आ रही है, एक मेजर अभी 4-5-6 दिन पहले घायल हुए, करीब 4 दिन तक बेहोश रहे यहीं कुपवाड़ा में, कश्मीर में। और जब घायल हुए वहाँ, तो उन्होंने, उनको जब होश आया, होश आते ही उन्होंने जो है सबसे पहला काम ये पूछा कि 5 आतंकवादी जो रह गए थे वो मरे कि नहीं। देखो, उन्होंने अपने बारे में नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरे साथ वालों का क्या हुआ, ये नहीं। उन्होंने कहा वो आतंकवादी मरे कि नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य वो है, उसका संधान वो है, उसको वहाँ करना। इसलिए हम मोहमुक्त, योद्धा की गति और योगी की गति एक जैसी होती है, वीर गति होती है, क्योंकि उनमें आसक्ति और अहंकार नहीं होता, आसक्ति और अहंकार नहीं होता, दोनों न होने के कारण ये इनकी गति जो है अंतिम गति एक ही होती है। सत्य की गति भी ऐसी होती है ना, 3 मारे शूर, शूर सती और शूर, ऐसा कुछ है, कोई
कि तीन लोगों की हमेशा हमेशा गति मानी जाएगी अच्छी। कबीर कहते हैं डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अरे पागल मन अब तो डगमग करना छोड़ दे। वो सती के लिए कहते हैं अब तो सिंदूरदान पकड़ लिया, सती होने की बारी आ गई, अब तो जलने से ही काम बनेगा। डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अब इधर उधर ढूंढना छोड़ दे, सारी आसक्तियाँ विलीन कर दे, सारी आसक्तियाँ, कोई आसक्ति नहीं, कुछ स्मरण नहीं, कुछ याद नहीं, लक्ष्य संधान करो, और लक्ष्य संधान करो और स्मरण से इसको संभव बना दो। स्मरण कैसे प्रगाढ़ होता है ये बात बताई, लेकिन अब इसमें एक बात बाकी है, स्मरण की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। याद मन में अंकुरित होती है, प्राणों में घुलती है। याद मन में अंकुरित होती है, प्राणों में घुलती है और व्यक्तित्व में समा जाती है। हमारी याद मन में अंकुरित होती है, प्राणों में घुलती है और व्यक्तित्व में समा जाती है। संपूर्ण व्यक्तित्व हमारा स्मरण बन जाता है। और ऐसा जिस किसी के साथ होता है, ऐसा कोई ऐसा होता है बिरला सौभाग्यशाली जिसका ऐसा घटित होता हो, तो उसकी देह से नाम गूंजने लगता है। मैं एक महापुरुष का नाम बताऊंगा, जगत बंधु महाप्रभु, उनके शरीर से नाम गूंजता था। वो ये कहते थे जब हम एकांत में हों तो भाई हमारे पास कोई मत आया करो, आप लोग झांकिएगा मत, देखिएगा मत। एक दिन क्या हुआ, जब वो अकेले थे तो एक नया शिष्य आया था, वो कमरे में झांक के उसने जिज्ञासु था, उसने देख लिया क्या कर रहे हैं, तो उनके कमरे में इतना तीव्र प्रकाश था, हर रोम रोम से कण कण से प्रकाश निकल रहा था। जगत बंधु बंगाल के हुए हैं, और रोम रोम से कण कण से प्रकाश निकल रहा था, और उसको प्रकाश देखते नहीं बना, चौंधिया गया तो आँखों की दृष्टि चली गई, रोशनी चली गई। उन्होंने कहा मैंने कहा था मुझे अकेले मत देखना, तूने क्यों देखा, मत देखना अकेले में। वो जब सो जाते थे तो उनके शरीर से ध्वनि गूंजती थी, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि कण कण में घुल गया है भगवान, कण कण में घुल गया है, रम रोम गया है पूरी तरह से। ये स्मरण की प्रगाढ़ता है। मन में अंकुरित होने वाला स्मरण जब प्राणों में घुलता है, तो पतंजलि कहते हैं क्षीते प्रकाश आवरणम, तुम लोगों ने पढ़ा है क्षीते प्रकाश आवरणम, प्रकाश के जो आवरण हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं, प्रकाश के अवरोध हटते चले जाते हैं, शुद्ध नाड़ियाँ, शुद्ध चेतना, शुद्ध प्राण, सब कुछ, सब के सब एक तरह से आपका स्मरण व्यक्तित्व में समाने लगता है, विचार और भाव स्वतः ही भगवान में अर्पित होने लगते हैं, संपूर्ण व्यवहार हमारा स्मृति के डोर से बंध जाता है। बड़ी विलक्षण गाथाएँ हैं, और तुमको लग रही होगी थोड़ी कठिन तो लग रही होगी, पर समझने की कोशिश करना इस श्लोक को, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे जो होते हैं वो जब इंटीग्रेटेड होते हैं, अविभाजित होने लगते हैं, अखंड होने लगते हैं, फिर खंड खंड नहीं रहते, सारा संपूर्ण व्यक्तित्व एकाकार हो जाता है, तो फिर भक्त में भगवान निवास करते हैं। मामे वैश्यसी युक्तेवम आत्मानं मत्परायण, मैयावेश्य मामे वेश्य। बड़ा विलक्षण है, 12वें अध्याय का 2वां श्लोक भी, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक भी, ये सारे श्लोक ये बताते हैं कि अगर आप अपने आप अपनी स्मृति में भगवान को समा लें तो आपको आनंद आ जाएगा। मैं एक श्लोक सुनाता हूँ, उसमें पूरा का पूरा यही चीज़ लिखी हुई है, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशेषि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मय्येव मन आदत्स्व, तुम मन मेरे मन मेरे 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 में मेरे को अपने मन में बिठा ले, तो अपनी बुद्धि में बिठा ले मेरे को, और जब तू मेरे अंदर निवास करेगा तो तू असंशय पूर्वक ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। फिर एक जगह और कहते हैं वो 12वें अध्याय के, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमाम मता, मुझ में मन को एकाग्र, तुम में से किसी को संस्कृत बहुत कठिन लगती हो तो परेशान मत होना, हमेशा संधि विग्रह करके पढ़ना तो तुमको याद होते जाएगा, धीरे धीरे कुछ क्लासेस में ही पकड़ में आ जाएगी तुम्हारे। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर, देखो तीन चीज़ें बताई हैं, मन को एकाग्र, भजन ध्यान में लगे रहना, और श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूपी परमेश्वर को भजते हैं, वो योगी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे अति उत्तम लगते हैं।
संतों ने एक साधना बताई है, सुमिरन 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 करो, बस सुमिरन 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 करो। सिख ग्रंथ में जपू जी साहब एक है, कोई है सिख ग्रंथ के कोई बच्ची है, जपू जी साहब इसको पढ़ते हैं, रटते हैं, पूरा 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 पढ़ जाते हैं। मेरे को एक जगह लेक्चर देना पड़ा डेट्रॉइट में, तो मैंने जपू जी साहब मंगाई, मैंने गुरुद्वारे से मंगा के मैंने पूरी रट डाली अच्छी तरह से, फिर मैंने उसी पे लेक्चर दिया। वहाँ के लोगों ने कहा ये तो पूरा सिख है, मेरे बारे में बोले। तो मैंने उस समय याद किया था, एक दिन दो दिन पहले, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुखमनी जी साहब भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं जपू जी साहब। तो ये जो समर्पण है ये सुमिरन के द्वारा आता है। सुमिरन बार 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 स्मरण करो, मैं अर्पित भगवान को अर्पित, अपने को लिए, अपने लिए नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लाभ मिले, मुझे नफ़ा मिले, मुझे नुकसान ना हो, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं प्रभु को मैं इस प्यारा हूँ। भगवान श्री कबीर कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजन हार। गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, गंदा मेला कपड़ा, साबुन सृजन हार। भगवान जो हैं परमपिता परमात्मा सृजन हार हैं। सुरती शिला पर धोइए, सुरती शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। जैसे धुलता है उस पत्थर के ऊपर, तो उसके बाद देखो चमक जाएगा, चमक जाएगा। सांसारिकता विसर्जित होने लगती है, विकार समाप्त हो जाते हैं। नानक हों, कबीर हों, रैदास हों, सब ने कहा है जाओ सुमिरन करो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ सुमिरन करो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। आप भी कहोगे कि भाई हम भी तो रटते हैं, तो रटते हैं तो सुमिरन ही तो करते हैं। नहीं, रटना सुमिरन नहीं है, रटना सुमिरन नहीं है। सुमिरन वो है जिसको हर क्षण हर पल अपने स्मरण शक्ति में बनाए रखना। नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया सो राम आधार। जो राम का आधार मानता है, राम को अपना आधार मानता है, वो सुखी है। स्मरण में सब कुछ संभव है, कहीं से भी शुरू हो, प्रयास से शुरू हो, प्राणों में घुले, मन में जाए, एकाएक नहीं हो, बल्कि धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। हमारे ऋषि मुनि जो थे जिन्होंने पद लिखे, सूर्य ने पद गाए वो अंधे थे, कबीर ने कहे अनपढ़ थे, रैदास ने कहे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतनी गंभीर बातें कैसे कह गए वो। ऋषिगण जिन्होंने उपनिषदों की बातें कही, वे तो ज्ञानी थे, वेद पढ़े थे, लेकिन कबीर की बातें, कबीर के शब्द उपनिषदों से कम नहीं है, कबीर के शब्द उपनिषद जैसे हैं बिल्कुल पूरे पूरे, रैदास के पद उपनिषद जैसे हैं। तो ये जो हैं बुद्धि को संवारते हैं, प्रखर बनाते हैं। प्रतिभा जो है मन का परिष्कार, प्रतिभा जागती है मन का परिष्कृत मन से प्रतिभा पैदा होती है। और देखिए कई तरह के लोग होते हैं, चोरी चोर उठाई गिरे उनके, आप यहाँ से आपने देखा नहीं कितनी चतुराई से नीरव मोदी जो सारा के सारा पैसा लेकर के 11,111 करोड़ वो लेके पूरा चला गया, चतुराई से पूरी। प्रतिभा उसमें भी थी, ये प्रतिभा का नेगेटिव एस्पेक्ट है, और प्रतिभा का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अच्छे काम में लगे। प्रतिभा वो जो सुनियोजित हो, श्रेष्ठ काम में लगे। डाकू और सिपाही में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है बताओ? यस, करेज, साहस कॉमन। दोनों में हिम्मत है, हाँ दोनों लड़ते हैं, बड़ा साहस होता है, अंदर धुलाई नहीं है, परिष्कृति नहीं है, स्मरण सब कुछ करा देता है। सुरती शिला मतलब स्मरण की शिला पर धोइए, स्मरण की शिला पर धोइए, सब साफ हो जाता है। भगवान कहते हैं, मन में राम, हाथ में काम, हाथ से काम होता रहे, कर्म छोड़ दो, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं युद्ध भी करो, दोनों धाराएँ साथ साथ चलो, कहीं हटने मत दो। कर्मों का अर्पण होगा, विचारों का अर्पण होगा, बुद्धि का अर्पण होगा, भावों का अर्पण होगा। किसी समझदार व्यक्ति ने ये नहीं कहा काम करना छोड़ दो, काम करते चलो। कर्मयोगी ही सच्चा सफल भक्ति योगी बन पाता है। कर्म के दोष हटा दो, आसक्ति हटा दो, अहंकार हटा दो, आलस्य हटा दो, अभिमान हटा दो, अपने कर्म को निष्कलुष करो ग्रेजुअली। तुलसीदास जी ने कहा है, राम रटु राम रटु राम रटु बावरे, राम रटु राम रटु राम रटु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये बहुत बहुत बड़ी निधि है, भंडार है राम का नाम।
धीरे धीरे सभी कालों में ये हो जाएगा। इसलिए हमारे व्यक्तित्व में अगर सबसे ज़्यादा बलशाली कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा सघन शक्ति संपन्न कुछ है, तो हमारे शरीर में एक ही चीज़ है। शरीर है, मन है, अरे चित्त है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई संपूर्णतः जो चुंबकत्व वाली चीज़ है वो है चित्त। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ होती है? चित्त में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा ब्रह्मांड में कहाँ होती है? ब्लैक होल में। वो ब्लैक होल हमारे अंदर कहाँ है? चित्त में। हमारा ब्लैक होल हमारा चित्त है। तो इसमें सब कुछ खींच के रख लो और इसमें खींच करके अपनी याद की स्मरण शक्ति को मजबूत बना लो। समर्पण में भी ऐसे ही चुंबकत्व है। समर्पण करोगे और अपने परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा की महिमा को अपने अंदर स्मरण में शक्ति में रखोगे तो आनंद आ जाएगा। स्वतः ही समाधि सुख, पतंजलि जी समाधि के लिए इतने जतन कहते हैं, सूत्र बताते हैं, भगवान कहते हैं स्मरण से सब अपने आप हो जाता है। तीन चार प्रकार की मुक्ति होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य। ये जो मय्यर्पित मनोबुद्धि है इससे चारों मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मरने के बाद मिलती है। मुक्ति जीव जीती, जीवित रहते मुक्ति मिलती है, जीवित रहते मुक्ति मिलती है। बात विचारों की अनुभूति में बदलने की है। अगर ऐसा है सब कुछ अपने आप हो जाता है। तुमने बड़े धैर्य के साथ गंभीर चिंतन को सुना, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपने जीवन में भगवान को स्थान दो और राम रटू राम रटू राम रटू बावरे बावरों की तरह से अपने मन में अंदर तक भगवान को स्मरण कर लो। सुमिरन सुमिरन कर, सुमिरन कर।